देखो यार, नया मी AI कॉल असिस्टेंट एनेबल करना है कोई भी रेडमी शाओमी या पोको डिवाइस में, क्योंकि इसमें आपका जो AI डायलर देखने मिलता है, जो कि आपका जो बोल सकते हो कि MIUI का डिफॉल्ट डायलर जैसा है, और इसमें काफ़ी पावरफुल फीचर्स भी देखने मिलता है। तो अनेबल करना है, स्किप मत करो वीडियो, काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स है, ट्राई करके देखो फ़ोन में, साथ मचाए। तो जो है बस इसको इंस्टॉल करना है आपको बेसिकली, बट अनेबल नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा, वीडियो देखना होगा। तो फर्स्ट में आपको जो देखने को मिलता है रिसेंट कॉल का ऑप्शन, जो कि अगर आप जो भी नंबर इसमें डायल कीजिएगा वो आपको देखने को मिल जाता है। और फिर आपको देखने को मिलता है AI फीचर, जो कि मी AI कॉल असिस्टेंट, उसमें आपको डिफरेंट वॉइस देखने को मिल जाता है, मार्टिन, मैरी, बॉय, गर्ल, किड का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको मतलब कि अराउंड 6 डिफरेंट वॉइस देखने को मिलता है। फिर आपको मोर टिम्बर्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, और भी आप साउंड जो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ट्राई आपको खुद से करना होगा, ऑब्वियसली अब ये ग्लोबली आ सकता है क्योंकि आपका जो ग्लोबल चाइना छोड़ के और एक जगह में आया है अपडेट के साथ, तो मेरे को लगता है ग्लोबली ये एंटर कर सकता है। फिर आपको पिकअप ऑटोमेटिकली का ऑप्शन देखने को मिलता है, फिर मैनुअल पिकअप का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये आपका कॉल को ऑटोमेटिकली पिक भी कर सकता है और मैनुअली भी पिक कर सकता है, मतलब कि आप सेट करना ऑटो आंसर ये सब का ऑप्शन। फिर आप जैसे ही जो पिक ऑटोमेटिकली में टैप कीजिए तो आपका स्पैम का ऑप्शन देखने को मिलता है, सेल्स, तो उसमें आप अपने हिसाब से जो फ्रेजेस को ऐड कर सकते हैं और फिर आपका काम ये कर देगा, तो अच्छा फीचर है। फिर आपको कॉमन रिप्लाइज देखने मिलता है, तो कॉमन रिप्लाइज में अपने हिसाब से आप कोई भी जो फ्रेजेस को ऐड कर सकते हैं और वो आपको वो रिप्लाई कर देगा। तो काफ़ी एक पावरफुल फीचर है, अब ये इंग्लिश में अवेलेबल हो जाए, मतलब कि ग्लोबली तो अच्छा होगा, बट अभी तक ग्लोबली आया नहीं है, आ सकता है, उम्मीद है, क्योंकि एक डिवाइस में देखने को मिला अपडेट के साथ। फिर आपको इसमें वॉइस कंट्रोल्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, वॉइस कंट्रोल और वॉइस नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी इसमें देखने को मिल जाता है। तो सच में काफ़ी ज़्यादा जो है फीचर रिच ऑप्शंस इसमें देखने को मिलता है, जो कि पिक्सल में भी ये फीचर देखने को मिलता है, बट वो भी आपका बस अभी शायद UK या US में है और कनाडा में, अब इंडिया में वो भी नहीं आया, बट ये आ सकता है, होप तो है, देखते हैं। नंबर डायल करके देखते हैं, तो जैसे आप नंबर इसमें डायल कीजिएगा, फिर आप टैप कीजिएगा कॉल पे, तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, मी AI कॉल स्पीच टू टेक्स्ट और आपका टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे आप टैप कीजिएगा तो इसमें आपको ऐसा कुछ पिकअप और हैंग अप का ऑप्शन देखने को मिलता है, स्पीकर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, नीचे आपका कुछ चल रहा है जो कि मुझे नहीं पता, इसमें आप फ्रेजेस ऐड कर सकते हैं खुद का, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें काफ़ी अच्छा फीचर्स है, बट इसको मेरे को जो खुद भी एक दो दिन यूज़ करना होगा, तब आपको ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन में कर सकता हूँ, उस पर आपको एक दो दिन में वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को ये फीचर अच्छा लगा। कॉल पिकअप करने के बाद आप देख सकते कुछ ना कुछ ये बोल रहा है, जो कि मेरे को भी सुनाई दे रहा है, और अगर आपको ये अच्छा लगा अनेबल करना आपका डिवाइस में, तो आराम से अनेबल हो जाएगा। बस इसके लिए आपको एक फाइल चाहिए, जो कि आपको जो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो चाहिए उसको डाउनलोड कीजिए, जो कि आपका जो है AI कॉल असिस्टेंट है। तो मी AI कॉल असिस्टेंट को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद आपको जो है बस इसको जाना होगा फाइल मैनेजर में, APKs में जाइए, ब्राउज कीजिए और बस सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिए, नॉर्मल आपका जो है APK की तरह इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको और एक ऐप चाहिए, इसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर में, जाइए प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना एक्टिविटी लॉन्चर, एक्टिविटी लॉन्चर सर्च कीजिए, एक्टिविटी लॉन्चर सर्च करने के बाद आपको नॉर्मल इसको जो है इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपको इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपको ओपन करना, ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि ये आपका ऐप्स को लोड कर रहा है, तो तब तक वेट कीजिए और मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको डेली मिलेगा, तो चाहिए सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कीजिए, डेली वीडियोस को देखिए। फिर आपका जैसे ही लोड हो जाएगा आपको स्क्रॉल डाउन करना है और सर्च करना है आपको मी AI कॉल असिस्टेंट, जैसे आप उसमें टैप कीजिएगा तो ये आपका एक्सटेंड हो जाएगा, फिर एक्सटेंड होने के बाद आपको टैप करना है, देख सकते जो भी मैं टैप कर रहा हूँ उस पर आप टैप कीजिए, तो वो आपको जो है नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको बस टैप करना है Xiaomi डॉट, काफ़ी लंबा सा आप देख सकते हैं, तो सेम आपको वही वर्ड्स पर टैप करना है, या आपका जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वही सेम वर्ड्स, तो जाइए उस पर सर्च करके जो टैप कीजिए, टैप करने के बाद आपको क्रिएट शॉर्टकट करना है, शॉर्टकट क्रिएट करने के बाद आपका ये अनेबल हो जाएगा आपका डिवाइस में, और फिर यूज़ कीजिए, बताइए कैसा लगा आपको ये फीचर। आई होप आपको ये फीचर पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो चाहिए लाइक मारिए, लाइक एम 130 रखते कंप्लीट कीजिए लाइक एम, वीडियो को शेयर कीजिए, कुछ भी पूछना नीचे जो है मतलब कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप कीजिए, नोटिफिकेशन कॉल ऑन रखिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए रेडी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।